हरे कृष्णा, आज हम 9 डिवाइडेड बाय 4 कैसे कैलकुलेट करें, यह सीखेंगे। 9 डिवाइड 4, या आपको ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है, यह आपको समझना है। सबका मतलब क्या एक ही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम अपना 4 का पहाड़ा कितनी बार बोले कि आपका 9 से बड़ा नहीं आना चाहिए। पहले इस बात को समझिए कि हम डिवाइड कब कर पाएंगे, जब यह संख्या आपकी 4 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे 9 आप देख पा रहे हैं, 4 से बड़ा है। और उसके बाद हम 4 का पहाड़ा बोलेंगे कितनी बार कि आपका 9 से बड़ा नहीं आना चाहिए। तो 4 का पहाड़ा बोलते हैं, 1 चौक 4, 2 चौक 8, 3 चौक 12। देखिए, 3 बार बोला 9 से ज़्यादा आ रहा है, लेकिन 2 बार बोला मैं 9 से ज़्यादा नहीं, कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। फिर इसको घटाया, 9 माइनस 8 कितना, 1 आ गया। अब हम क्या करें दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर आगे डिवाइड करने के लिए पॉइंट लगाते हैं, और जैसे यहाँ पॉइंट लगता है तो इसके साथ आपका एक 0 आ जाता है। ठीक है, फिर हम 4 का पहाड़ा 2 बार बोलें तो आपका 10 से बड़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर हमने इसको घटाया, 10 माइनस 8 कितना आ गया, 2। ध्यान से सुनना दोस्तों, पॉइंट एक बार ही लगाना होता है। उसके बाद घटाने पर जो संख्या आएगी इसके साथ हम 0 लिख सकते हैं। अब ये कितना बन गया, 20। 4 का पहाड़ा हम कितनी बार बोले हैं कि आपका 20 से बड़ा नहीं आना चाहिए। चलिए 4 का पहाड़ा बोलते हैं, 1 चौक 4, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20। देखिए, 5 बार बोलने पे क्या हुआ, 20 खुद आ गया। फिर घटाया, क्या आ गया, 0। ये दोस्तों यहाँ पर आपका क्या बन चुका है, भागफल बन गया है। इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2.25। ठीक है, जय हिंद।